हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रागनी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो एप्लीकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये नाम जो है वो कहाँ से आता है और इसे एक्चुअली हमें किस तरह से बुलाना चाहिए। बहुत से लोग इसे किनेमास्टर के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग इसे काइनमास्टर कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका नाम जो है वो किस तरीके से हमें लेना है। आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये सियोल कोरिया से है और आपको मालूम होगा कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड या किसी भी भाषा का वर्ड प्लेस टू प्लेस और कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उसकी प्रोनंसिएशन क्या होगी। ये जो एप्लीकेशन है ये इंडिया में बहुत सारे लोग इसे काइन मास्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो काइन वर्ड है वो काइंड वर्ड से मिलता जुलता है जो कि डी रिप्लेस करके लास्ट में ई लगाया गया है, इसीलिए इसे काइंड की जगह काइन पढ़ा जाता है और लोग इसे काइन मास्टर के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये एप्लीकेशन सियोल कोरिया से है तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसे किनेमास्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन को जो नाम है जिसे कि इंडिया में काइनमास्टर से जाना जाता है इसे सियोल कोरिया में किनेमास्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो कोरिया में डेवलप्ड है और वहाँ की है बेसिकली। तो आप इस अगर इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन जानना चाहते हैं तो वो किनेमास्टर है, बट अगर आप इसे इंडियन वे में अगर इसे काइनमास्टर बुलाते हैं तो भी ये गलत नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसे किस नाम से बुलाते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं और आप इसे जिस भी चाहे नाम से इसे पुकार सकते हैं। काइनमास्टर जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे कि जो कि लुक्स में काफ़ी प्रोफेशनल हो और एडिटिंग और एनिमेशन फर्स्ट क्लास हो तो बिल्कुल आप अगर एक फ्री ऐप चाहते हैं, और इसका वैसे प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी सारे एडिशनल जो है ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है जिससे कि और भी अच्छी लुक आती है आपकी वीडियो की, अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो भी वो काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है वो आपको दे देता है और आपकी वीडियो जो बन के निकलती है वो आपकी कुछ एडिटिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। इसमें ऑप्शंस कई सारे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने एडिटिंग जो स्किल्स है वो किस तरह यूज़ करते हैं, तो अंत में जो आउटकम आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप अच्छे स्किल्स इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो का एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है और आपका वीडियो जो है एक प्रोफेशनल लुक देता है। तो काइनमास्टर एक ऐसी ऐप है जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कर सकते हैं अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आपको किसी भी तरीके से इस एप्लीकेशन से डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए ताकि और जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट।